यू सो मच दोस्तों मेरी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। जिन लोगों ने भी मेरे को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, उनको मैं सबको धन्यवाद बोलता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देखने हैं पंकज ब्लॉग्स। बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपने ब्लॉग्स में। गाइज, आज का जो ब्लॉग है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटमेंट से भरा होने वाला है। मेरे को तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि मेरे को पता नहीं नींद आएगी भी कि नहीं आएगी। टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि एक्साइटमेंट किस बात की है, क्योंकि कल मेरे को मिलने जा रही है एक नई कार। अब वो कौन सी कार है ये आपको पता चलेगा कल, आई मीन वीडियो के लास्ट तक। आज ये 1 सितंबर को वीडियो शूट होना शुरू हुई है, जो 2 सितंबर तक 2 दिन का सेम ब्लॉग चलेगा। और हाँ, एक जानकारी जरूर देना चाहूँगा कि जो लोग मेरे को फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो नहीं कर रहे, प्लीज़ मेरे को फॉलो कीजिए। जो लोग मेरे साथ नए नए यूट्यूब पर जुड़े हैं वो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करें। बाकी बातें आपको कल पता चलेंगी। तो कल सुबह मुलाकात होगी फिर से, तब तक के लिए गुड नाइट। तो वेलकम बैक गाइस, हम वापस आ गए हैं। तो अभी हम जस्ट तैयार व्यार होकर घर से निकले हैं, मैं और पापा। हम दोनों जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। मंजिल थोड़ी दूर है, आधे रास्ते हम आगे हैं, आधा रास्ता बचा है। जल्दी से मैं वहां पहुंच के आपसे बात करता हूं। तो फाइनली हम यहां पे पहुंच चुके हैं जहां पे हमें कार अपनी कलेक्ट करनी है। अभी कौन सी कार है ये आपको थोड़ी देर में अंदर जाके पता चल जाएगा। फिलहाल आप शोरूम देख लो, ये है शोरूम नगरोटा सूर्या में, नंदपुर बटोली से तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर है। मेन बाज़ार से मेन रोड के पास ही पड़ता है बिल्कुल शोरूम। मैं आपको शोरूम दिखता हूँ। ये मारुति सुजुकी का शोरूम है, कांगड़ा विकलेट्स। अभी कौन सी कार है ये तो बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक नई कार लेना बहुत ही मुश्किल होता है। सेकेंड टाइप अभी जो सेकेंड कार है ये हमारी, एक ये कार है और एक जो कार है वो अंदर तैयार हो रही है अभी उसमें एक्सेसरीज वगैरह लगी है। थोड़ी सी बाकी है, जब कंप्लीट एक्सेसरी हो जाएगी तो मैं आपको जाके अंदर दिखाऊंगा। वो यहीं पे आके शोरूम में लगने वाली गाड़ी फिलहाल तो अभी वॉशिंग के लिए गई है, वॉशिंग वगैरह होके उसके बाद सारी यहाँ पे आएगी। तो उसके बाद तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। इतना वेट तो जायज़ है, नई गाड़ी के लिए इतना वेट तो बनता ही बनता। थोड़ा सा वेट कीजिए, जल्दी ही मिलेंगे। देखने का टाइम फाइनली पास आ ही गया, तो जल्दी से आपको गाड़ी दिखाता हूँ।
तो गाइस मैं अब थोड़ी सी बात करूंगा अपनी फर्स्ट वीडियो के बारे में। सॉरी ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूंगा। कुछ लोग मेरे को बोल रहे थे कि तू बहुत दुखी लग रहा था उस वीडियो में। तो बात सिर्फ इतनी सी थी कि मैंने गाड़ी लेके आनी थी, तो जो नई गाड़ी होती है उसको ऐसे रोड में चलाने पर भी डर लगता है, दुख भी होता है। जिन लोगों के पास गाड़ियाँ हैं अपनी, वो जो प्यार करते हैं, वो खड्डों में डालने से खड्डों में गाड़ी डलती है, तो उनको समझ आता है दर्द क्या होता है। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, अगले ब्लॉग में मिलेंगे हम अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।